आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। और दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पर। तो चलिए हम चर्चा करते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप आसानी से हमारी वीडियो को देखते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं जो कई एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं, रेलवे के एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट भी हुए कई बार। तो चलिए बारी बारी हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 13 तक पढ़ाया था और आगे आज हम 14 नंबर क्वेश्चन से आगे शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए मित्रों, यहाँ मेरे हाथ में क्वेश्चन है और यहाँ आप बगल में क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, क्या कहता है सो देखिएगा। 14 नंबर सवाल है जो आप देख पा रहे हैं, 14 नंबर सवाल है कि 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या यानी 1000 से बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। लघुत्तम माने छोटा, 1000 से बड़ा होना चाहिए लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए लेकिन वो 1000 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन है अभाज्य संख्या, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है आपका 1001, ऑप्शन दूसरा है 1003, और ऑप्शन तीसरा है 1007, और ऑप्शन चौथा है 1009। दोस्तों आपको पता होगा अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, वैसी संख्या जो केवल अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे, सब अभाज्य संख्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दो को समझिए, सम संख्या होते हुए यह अभाज्य संख्या है क्योंकि दो कटेगा अपने आप से और एक से, इसके अलावे किसी से नहीं कटेगा। तीन कटेगा अपने आप से और एक से, इसके अलावे किसी से नहीं कटेगा, ये सारे अभाज्य संख्या है। पांच भी अभाज्य संख्या है लेकिन नौ अभाज्य संख्या नहीं है। नौ की बात करें तो एक और अपने आप के अलावे ये तीन से भी कट जाएगा, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए मित्र हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें कौन आपका अभाज्य संख्या है। तो इसको अगर आप देखते हैं सात से कट जाएगा, 14 7 98, दो दो पर 21 7 21 खत्म, ये सात से कट जाता, आप 13 से काटते तो भी कट जाता, ये आपको 17 से कट जाएगा, ये 19 से कट जाएगा, ये किसी से नहीं कटेगा, ये कटेगा अपने आप और एक से, ऐसे तीन ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा तो अपने आप ही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न होगा, जब किसी संख्या को, प्रश्न संख्या 15 सवाल है कि जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या होगा। कल ही पढ़ाए थे और शुरू में ही ये क्वेश्चन आया था, तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में जो आपने देखा। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए, किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बोला है कि 25 रहता है, यदि उसी संख्या को 11 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। संख्या पते नहीं है, एक बार बोला उस संख्या में 121 से भाग देंगे 25 बचेगा, अब बताइए वह संख्या में 11 से भाग देंगे शेष क्या होगा। संख्या पता नहीं आपसे जिद कर रहा है, तो जिद्दी वाला सवाल में जो शेष दिया है ना उसी में आप भाग लगा दो 11 से, 11 × 22 शेष कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 25 में से 22 गया 3, चलिए हमारा आंसर हो गया 3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन होगा 16 नंबर, प्रश्न संख्या 16 में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है, एक संख्या के दोनों अंकों का योग 5 है, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर 9 है, वह संख्या क्या है। जरा ध्यान देंगे, कहता है कि दो अंक की संख्या है, दो अंक की संख्या है और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा ऑप्शन एक में कितना है 41, ऑप्शन दो में है 23, और ऑप्शन तीन में है 50, और ऑप्शन चार में है 14। तो आ जाइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि एक संख्या के दोनों अंकों का योग 5 होना चाहिए, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर 9 है, वह संख्या कौन है। यह दो शर्त दे दिया गया, दो शर्त दिया है कि दोनों संख्या, वो संख्या जो होगा उसके दोनों अंकों का योग 5 होगा, और अंक को पलट दीजिएगा तो पहले वाला संख्या और नया जो संख्या बनेगा
उसमें अंतर 9 का होना चाहिए, वैसा संख्या कौन। तो नीचे जो चार ऑप्शन होगा उस ऑप्शन में जरूर होगा, ये बाय ऑप्शन ऐसे सवाल को बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अंकों का योग कितना हो गया, इसके अंकों का योग तो 5 हो गया, इसके भी अंकों का योग 5, इसके भी अंकों का योग 5, इसके भी अंकों का योग 5। जैसे अंक 4 और 1 है तो जोड़ने से 5 हो जाएगा ना, लेकिन इसके अंक को पलट देंगे तो 14। क्या 14 और 41 में 9 का अंतर होता है? नहीं भाई, ये गलत है। 23 में देखते हैं, 23 में देखिए, 23 के अंकों का योग तो 5 है और इसके अंक को पलट दिया जाएगा तो 32 होगा। क्या 23 और 32 में अंतर 9 का है? लगता तो है कि हो जाएगा, 23 में 9 जोड़ के देखिए हो जाएगा 32, यानी बिल्कुल सही है ऑप्शन 2, यानी दोनों में अंतर 9 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन भिन्न अवरोही क्रम में है। मित्रों आपके सामने ऑप्शन होगा, ये सवाल को भी बड़ी आसानी से ऑप्शन से बनाया जा सकता है, अवरोही क्रम आरोही क्रम, या कभी आपसे कह दे कि निम्न में से कौन सा भिन्न बड़ा या छोटा है, भिन्न की तुलना वाला सवाल हो। तो देखिए इसको बनाने का तरीका, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखता हूँ क्योंकि आपको सिखाना है मुझे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर सवाल आपका यहाँ है कि 3/8, 5/11, 7/15, 9/19 पहला ऑप्शन, और ये देखिए दूसरा ऑप्शन है आपका 9/19, फिर है आपका 7/15, फिर है आपका 3/8, फिर है आपका 5/11, और तीसरा ऑप्शन है आपका 3/8, 5/11, 9/19, उसके बाद है 7/15, फिर आगे आपका चौथा ऑप्शन है 5/11, 7/15, उसके बाद है 9/19, उसके बाद है 3/8। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये तुलना करना हो तो देखिए एक बात ऐसा होता है कि जब अंश हर में अंतर सब में समान रहे ना, तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा। जैसे मान लीजिए 4/5 हो, 9/10 हो, 9/10 है, 11/12 है, इस तरह से है, तो सब में अंतर समान। जैसे 4/5 में 1 का, 9/10 में 1 का, 11/12 में 1 का, तो जब अंतर समान रहे ना तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा होगा। अगर इस तरह से दे दिया जाएगा भिन्न और पूछ दे आपसे कि इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा या छोटा है, तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा और जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा। तो ध्यान दीजिए, लेकिन जब अंतर अलग अलग हो तब इसको करने का क्या तरीका। कुछ लोग तो इसको भाग दे दे के करते हैं, लेकिन उसको नहीं कीजिए। आप सीधा सा सवाल ऐसे सोचिए, देखिए हमें तो बताना है इसे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। तो घटते क्रम में होने के लिए सबसे पहले बड़ा संख्या होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, तो ये चल जाएगा अवरोही क्रम। तो देखिए जैसे देखेंगे ये बड़ा रहना चाहिए, ये छोटा, और इससे छोटा ये, और इससे छोटा ये, तब जाएगा अवरोही क्रम में। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 8/5 हुआ 40, 11/3 हुआ 33, 33 बड़ा होता है या 40 बड़ा होता है? 40 बड़ा होता है, 33 तो छोटा है। तो कहने का मतलब बड़ा इधर रहता इधर छोटा तब ना घटते जाता, ये हो गया गलत। पहले छोटा तब बड़ा, यानी बढ़ते चला गया, ये अवरोही क्रम नहीं हुआ। आगे देखिए 15 हुआ 135, 19/7 133। अब देखिए ये छोटा हुआ, ये घटते गया, और फिर देखेंगे इसमें तुलना करेंगे कि इससे ये छोटा है कि नहीं। 15/3 45, 8/7 56, बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। आगे देखिएगा 8/5 40, 11/3 33, यहाँ गड़बड़ हो गया, ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया, 33 से बड़ा 40, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पर लास्ट में जाकर इसको देखिए 8/5 40, 11/3 33, ये तो बढ़ते क्रम जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत, तो चौथा तो अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा सही होना ही होना है। अब चेक कर लो 11/7 77 और 15/5 कितना 75, तो ये घटते चला बढ़ते चला गया शायद ऑप्शन। चलिए इसमें तो एक और ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन भी हमें चेक करना पड़ेगा, ये भी गलत है। क्योंकि ये देखिए 11/7 77 और ये 15/5 75, तो 75 से बड़ा हो गया 77, घटते क्रम नहीं गया, यानी चौथा भी गलत ही है, तो आंसर हो जाएगा 5। हाँ अगर 4 ही ऑप्शन होता और 3 गलत होता तो चौथा बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन गलत है तो 5वां आपका आंसर हो जाएगा।